सो हेलो गाइस, आ चुका है एक और नई वीडियो में। तो आप जैसे कि देख ही सकते हो, नया माइक आ चुका है, तो अब साउंड का कोई भी बीटी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पूरा वीडियो होगा इंडियन ट्रांसफर, इंडियन मैच रिव्यूज, इंडियन सब कुछ। मतलब ये संडे स्पेशल होगा। हर हफ्ते संडे को एक ऐसा ही वीडियो आएगा जिसमें पूरे हफ्ते का और अपकमिंग जितने भी ट्रांसफर होंगे उसके बारे में पूरे डिटेल्स में बात होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो उससे पहले एक खुशखबरी की बात कर लेते हैं कि इंडियन फुटबॉल और इंडियन फुटबॉलर्स बाहर भी रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। एज वी कैन सी हियर दैट सेविया एफसी, जो कि स्पेन का एक बहुत बड़ा क्लब है, तो उन्होंने लिखा है, व्हाट इफ चुन्नी गोस्वामी एंड माराडोना प्लेड अलोंगसाइड ईच अदर फॉर सेविया एफसी। तो आप सोच सकते हो कि उन्होंने माराडोना के साथ हमारे अपने गोट मतलब चुन्नी गोस्वामी को कंपेयर किया और दोनों को एक साथ इमेजिन करने को बोला। मतलब रिकॉग्निशन तो मिल रहा है ना गाइस, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस अच्छे नोट पे आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस, अभी वीडियो एडिट ही कर रहा था कि उतने में एक और न्यूज़ आ गई कि इमामी ईस्ट बंगाल को हार मना के मोहन बगान जीत चुकी है अपुया के रेस में। तो अपुया इज़ फाइनली अ मोहन बगान सुपर जायंट्स प्लेयर। तो अभी तक डील कंफर्म नहीं हुआ, बट जो मुंबई का आस्किंग प्राइस था, जो हेफ्टी साइनिंग फी था, उसके लिए मोहन बगान ने हाँ कर दिया। तो मोस्ट प्रोबेबली 99% आप पकड़ के चलो कि अपुया विल साइन फॉर मोहन बगान सुपर जायंट्स। हियर वी गो। सबसे पहले यूट्यूब में मैं ये खबर दे रहा हूँ, तो इस बात के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। तो वीडियो एंजॉय कीजिए आप। तो पहले बात कर लेते हैं हुगो बोमोस के बारे में। तो हुगो बोमोस का तो अभी पूरा सीन अनसर्टेन दिख रहा है कि वो गोवा ज्वाइन करेंगे या मुंबई ज्वाइन करेंगे या केरला ज्वाइन करेंगे। बट उनके पास मतलब लास्ट सीज़न का परफॉर्मेंस हुगो बोमोस का उतना अच्छा भी नहीं था। इस वजह से उनको अगर किसी भी क्लब में जाना पड़ेगा तो उधर उनको सैलरी कट लेना पड़ेगा। बट हुगो बोमोस वो पे प्रेफर नहीं कर रहे, दैट्स वाई हिज फ्यूचर इज़ टोटली अनसर्टेन। वी कैंट से एनीथिंग अबाउट हिज फ्यूचर। तो इमामी ईस्ट बंगाल बहुत हेविली लिंक हो रही है एक रियल मैड्रिड प्लेयर सेंटियागो मुनेज से। मुनेज पहले मोहन बागान सुपर जायंट्स का टारगेट था, बट मुनेज के कोच ने उस डील को होने नहीं दिया। बट अभी मुनेज पुश कर रहे हैं उनको कि मेरे को इमामी ईस्ट बंगाल जाना है, तो जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे आईएसएल के लिए। तो होप ये डील हो जाए, कोई दिक्कत ना आए इस डील में। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि बहुत बड़ा न्यूज़ आ रहा था कि जैक्सन सिंह कुड साइन फॉर मोहन बगान सुपर जायंट्स। बट ये डील अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा। तो मोहन बगान इज़ नॉट गोइंग आफ्टर केरला ब्लास्टर स्टार जैक्सन सिंह, एटलीस्ट नॉट टिल डेट। तो मतलब कल का आर्टिकल था, तो कल तक तो कोई ऐसा केस डेवलप नहीं हुआ था। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये डील होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। बट आई थिंक जैक्सन सिंह इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर हु कैन फिट इन मोहन बगान सुपर जायंट्स, यू नो। तो देखते हैं। और बात तो ये भी हो रहा था कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग फीस में आएगा आईएसएल का, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो अभी बात कर लेते हैं केरला ब्लास्टर के नए कोच कौन होंगे उसके बारे में। तो केरला ब्लास्टर आर कीनली लुकिंग फॉर जुआन फर्नांडो, जो कि पहले मोहन बगान सुपर जायंट्स के हेड कोच थे, बट फिर उनको सैक कर दिया गया। तो अभी केरला ब्लास्टर के करंट कोच के बदले उनको लेके आने का चांसेस बन रहा है केरला ब्लास्टर्स में। तो केरला ब्लास्टर्स फैन कमेंट में बताना कि ये डील कितना अच्छा होगा आपके क्लब के लिए, आप कितना अच्छा रेट करते हो जुआन फर्नांडो को। ऑल्सो ब्रैंडन हमिल ऑफ मोहन बागान इज ऑल्सो ऑफर्ड फ्रॉम केरला ब्लास्टर्स। तो लेट्स सी ये डील कैसे होता है। मेरे को जितना लग रहा है कि हैमिल ज्वाइन कर लेगा केरला ब्लास्टर्स, तो होप फॉर द बेस्ट। तो अभी बात कर लेते हैं एक ऐसे ट्रांसफ़र की जो होने के चांसेस बहुत कम है, जो है ऑस्कर डुराटे के, जो कि अलवेडा एफसी के लिए खेलते हैं कतर लीग में। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो अलवेडा कतर में ही है।
और मोहन मगन मैनेजमेंट ने इसको स्काउट किया था, बहुत अच्छा प्लेयर भी है और फ्री एजेंट के तरीके से आता तो कोई दिक्कत भी नहीं था, बट इसको साइन ना करने का एक ही रीज़न है कि इसका इंजुरी रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। दैट्स वाई ऑस्कर कैन नॉट ज्वाइन मोहन बगान सुपर जायंट्स, क्योंकि जितना रिपोर्ट्स आ रहा है कि मोहन बगान इज मेकिंग अ टीम ऑफ फुल स्टार्स प्लेयर्स बिकॉज दे वॉन्टेड टू विन AFC कप। तो अगर समझो AFC कप जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी इंडियन टीम के लिए, क्योंकि जब तक हम AFC कप नहीं जीतेंगे ना, हमको फिर से वो AFC चैंपियंस लीग वाला स्लॉट वापस नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस इतना ख़राब रहा है पास्ट में। तो टीम तो अच्छा बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी बात कर लेते हैं ईस्ट बंगाल के बारे में। ईस्ट बंगाल आर कीन ऑन साइनिंग अपुया फॉर द नेक्स्ट सीजन, तो अपुया के ऊपर नज़र रखे हुए हैं ईस्ट बंगाल। तो मेरे ख्याल से अच्छा ही है, क्योंकि अगर आपका अर्च राइवल इतना अच्छे अच्छे साइनिंग्स कर रहा है तो आपको भी साइनिंग्स करना चाहिए। दैट्स वाई ईस्ट बंगाल शुड लुक फॉर मोर स्टार प्लेयर्स, यू नो। तो अभी आगे बढ़ते हैं कि जो स्टार साइनिंग्स हो सकते हैं फ्यूचर के लिए, तो वैसे साइनिंग्स के बारे में बात करते हैं, जो कि है मोहन बगान मैनेजमेंट इज़ करेंटली इंटरेस्टेड इन डिफेंडर ब्रेन कैलटेक करके एक प्लेयर है, जो कि ब्रेन नहीं ब्रायन होगा शायद से, ब्रायन कल्टेक है। कल्टेक वोन द AFC कप यस्टरडे विथ सेंट्रल कोस्ट मरीनर्स। तो मोहन बगान नीड टू पे ट्रांसफर फी टू सिक्योर हिज डील। तो ब्रायन को अगर साइन करना है तो ट्रांसफ़र फी देना पड़ेगा, और AFC कप चैंपियंस टीम है तो पैसा तो अच्छा खासा ही देना पड़ेगा, 3-4 मिलियन तो कम से कम देना ही पड़ेगा अगर स्टार प्लेयर है। अगर बेंच वार्मर है तो अलग बात है, तो 500K में भी आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो कि आ रहा है वर्ल्ड कप प्लेयर ईरान का सुपरस्टार चेस्मी के बारे में। तो चेस्मी बहुत अच्छा प्रोफाइल का प्लेयर है ब्रो, एक बहुत तगड़ा DM है जो मोहन बगान को चाहिए। अगर सपोज स्पेनिश कोच चाहिए हमको एक DM को अच्छे से ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि स्पेनिश कोचेस के अलावा DM ऑपरेशन करना बहुत टफ है, क्योंकि ये DM जो पोजीशन होता है ना, ये आपको मैचेस जिताता है। तो इतना अच्छा अगर आप DM ला रहे हो तो आपको बहुत अच्छा कोच चाहिए, इटालियन हो स्पेनिश हो या फिर कोई सा भी हो, कि अच्छा कोच चाहिए। हवस तो नहीं रहेंगे उनके ऑपरेशन के वजह से रिकवर गए, ये बहुत दिक्कत है हवस के बारे में। तो अगर हवस शहर होते तो कोई दिक्कत ना होती, बट अभी जो अनसर्टेन दिख रहा है कि हवस शायद से कंटिन्यू ना करेंगे, तो दिक्कत की बात है अभी। और लेट्स सी, तो इनको साइन करना पड़ेगा हमको। तो अगर इनको साइन कर देते हैं तो मतलब एक स्टेप ऊपर चला जाएगा ISL का लेवल। तो मोहन बगान इज़ डूइंग सम बोल्ड मूव्स, आई होप अदर टीम शुड डू सेम काइंड ऑफ मूव्स बिकॉज वी वॉन्ट टू ग्रो आवर इंडियन फुटबॉल, दैट्स आवर मेन होप। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, तो जो कि न्यूज़ आ रहा है कि अगर एंटोनियो लोपेज हवास मैच मतलब अपना मैनेजरियल पोस्ट छोड़ दे, अगर वो नेक्स्ट सीजन कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो सर्जियो लोवेरा इज़ अ ग्रेट ऑप्शन मोहन बगान के एंटराज के तरफ से पता चल रहा है। तो सर्जियो लोवेरा इज़ अ गुड मैनेजर आई वुड से, बिकॉज हमने AFC चैंपियंस लीग में देखा कैसे ओडिशा ने पहले 2-3 मैचेस में फंबल कर दिया था, फिर जो एक मोमेंटम पकड़ा एकदम AFC चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज से बाहर निकले थे। तो बहुत अच्छा मैनेजर है नो डाउट, और एक कप कॉम्पिटिशन में अच्छा मैनेज कर लेता है। तो आई वुड से सर्जियो लोवेरा इज़ अ ग्रेट मैनेजर। तो लेट्स सी हवसर कंटिन्यू करते हैं कि नहीं। तो एक और न्यूज़ आ रहा है मोहन बगान के तरफ से कि मोहन बगान को स्केचर्स करके एक अमेरिकन ब्रांड है जो स्पॉन्सर करेगा अब से 2024-25 का किट, स्केचर्स से स्पॉन्सर करेंगे मोहन बगान को, जो कि एक बहुत अच्छा खुशखबरी है। क्योंकि आपको पता होगा अगर आपको थोड़ा बहुत भी इकोनॉमिक्स के बारे में पता होता है, तो US का परचेजिंग पावर पैरिटी हमसे ज़्यादा होता है। तो अगर वो अगर हम हमारे लिए सपोज वो एक डील हमारी कंपनी हमको
500,000 डॉलर्स का पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, बट उधर वो लोग 1 मिलियन दे सकती है क्योंकि उनका परचेजिंग पावर पैरिटी हमसे हाई है। दैट्स वाई उनके लिए वो इतना बड़ा भी फैक्टर नहीं है 1 मिलियन डॉलर। करीबन 2.7 है शायद से उनका PPP। तो अगर एक इंटरनेशनल टीम हमको अप्रोच कर रही है तो अच्छा बात है। तो अभी बात कर लेते हैं एंजल टॉरेस के बारे में। क्या एंजल टॉरेस ज्वाइन करने वाले हैं ओडिशा को? तो रिपोर्ट्स जितने बाहर आ रहे हैं कि एंजल टॉरेस का ज्वाइन करना बहुत टफ लग रहा है मेरे को। आई डोंट थिंक एंजल टॉरेस विल ज्वाइन ओडिशा FC राइट नाउ। जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स मुझे दिख रहे हैं तो बहुत मुश्किल लग रहा है ये डील कोलैप्स भी हो सकता है क्योंकि ओडिशा FC डजेंट हैव दैट काइंड ऑफ वुल टू साइन एंजेलो टॉरेस लाइक प्लेयर। सो गाइज, आज के लिए बस इतने ही न्यूज़ थे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ इंडियन फुटबॉल के बारे में इतना सब बात करके। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि केरला ने अपना एक और लीग लॉन्च कर लिया, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस टू KVFC फैंस। होप देयर फुटबॉल कल्चर विल ग्रो मोर एंड मोर एंड मोर, ताकि एक इंडिया में ही इतना अच्छा फुटबॉल कल्चर बन जाए कि हमको बाहर से प्लेयर्स ना लाने पड़े। हमारे प्लेयर्स भी कभी UCL UECL ये सब में खेले तो अच्छा लगेगा। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उनके बोर्ड्स के तरफ से। पर टीम को शायद से 5 करोड़ का बजट मिलेगा, मतलब 5 करोड़ स्पेंड करेंगे पर टीम पर ईयर। तो बहुत अच्छा बात है। तो होप फॉर द बेस्ट, एवरीथिंग इज गोइंग टूवर्ड्स इंडियन फुटबॉल ग्रेटनेस वंस अगेन। टिल देन पीस आउट, गुड बाय गाइस, सी यू टुमारो।